दोस्तों के आपके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में पीएफएमएस बैंक स्टेटस वाले कॉलम में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिखा है, या फिर रिवैलिडेशन लिखा है, या फिर करेक्शन पेंडिंग एट स्टेट लिखा है, या फिर यूआईडी नेबर इनेबल फॉर डीबीटी लिखा है, या फिर बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी नॉट मैच्ड आर मर्ज्ड लिखा है और आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है। आप सभी तरह के प्रयास भी कर चुके हैं लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो यह वीडियो अंत तक देख लेना। आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में अपने मोबाइल से ही इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो समस्याएं मैंने आपको ऊपर बताई हैं वह समस्याएं सिर्फ पीएम किसान के लाभार्थियों की नहीं है, यह समस्याएं पीएम किसान के लाभार्थियों के साथ साथ सभी तरह के पेंशन भोगियों की हैं, चाहे उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिल रही हो, या फिर विकलांग पेंशन मिल रही हो, या फिर विधवा पेंशन मिल रही हो। इनके साथ ही जो भी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप मिलना था तो उनके साथ भी यही समस्या है। इस समस्या के चलते काफ़ी सारे छात्रों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है और इसके साथ ही साथ जो भी नरेगा के श्रमिक हैं, यानी जो भी नरेगा योजना में काम करते हैं और उनका जो पैसा यानी उनका जो श्रमिक का भुगतान होता है वो उनके बैंक अकाउंट में आता है, तो इन समस्याओं के चलते नरेगा के श्रमिकों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार ने यह सभी भुगतान आधार मोड के माध्यम से DBT के द्वारा भेजना प्रारंभ कर दिया है। यानी आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होना जरूरी है तभी आपको इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, चाहे स्कॉलरशिप मिलनी हो या फिर पीएम किसान योजना का लाभ मिलना हो या फिर आपको पेंशन मिलनी हो या फिर आपको किसी भी नरेगा श्रमिक का भुगतान मिलना हो। अगर इनमें से किसी भी योजना का आपको लाभ मिलना है तो आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होना आवश्यक है। अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं होगा तो आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आप अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन NPCI से कैसे लिंक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, तो दोस्तों इस पर वीडियो मैंने आज से 10 दिन पहले अपने पीएम किसान इन्फो चैनल पर डाला है, तो जाकर के देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, साथ ही साथ वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके जैसा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है कि आप लोग किस तरह से DBT फ्लैग का ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट ओपन करते समय। दोस्तों, जीरो बैलेंस का अकाउंट है, आप लोग 5 मिनट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और वहीं पर आपको DBT फ्लैग का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो किसी भी बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लगा तो मैंने उसका ट्यूटोरियल बना करके डाल दिया है। मैंने अपने A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर तो सभी बैंकों के ट्यूटोरियल डाले हैं लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस से ओपन कर लें और वहां पर जब आपको ऑप्शन मिलेगा DBT फ्लैग का तो वहां पर आपको यस कर देना है। मैंने विस्तार से बताया है कि आप कैसे DBT फ्लैग को यस करेंगे, कैसे आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होगा। दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल से तो दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर आपका वो बैंक अकाउंट जो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन करेंगे वो NPCI के सर्वर से जुड़ जाता है और आप UIDAI की साइट पर चेक भी कर सकते हैं और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक हो जाएगा आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। अगर आपकी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिल रहा, किस्तें रुकी हैं, तो जैसे ही लिंक होगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आपकी सभी किस्तें आपके इस नए बैंक अकाउंट में आने लगेगी। और जहां पर पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड है बिन रिजेक्टेड बाय PFMS बैंक लिखा है, तो जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक कर लेंगे वैसे ही जैसे ही PFMS दोबारा से रिस्पांस करेगा तो वहां पर लिख जाएगा फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक और आपकी जो भी किस्तें रुकी हैं वो आपके इसी नए अकाउंट में आने लगेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।